Hello everyone. So if you are new here, then I make YouTube videos based on makeup, fashion, beauty and lifestyle. So this is a lifestyle section video, and recently we shifted to a new place here and we got a lot of stuff from IKEA as well. We did go to the actual store, but I end up shopping online more. तो आइकिया ही एक ऑप्शन नहीं है, बट कुछ प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे उनके, तो मैंने उनको ऑर्डर किया और इस वीडियो में मैं वही दिखाने वाली हूँ आप सबको. नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो सबसे पहले मैं उन आर्टिकल्स को दिखाऊंगी जो कि यहाँ पे मैं आपको बैठे बैठे दिखा सकती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्लैट में आए कुछ टाइम हो चुका है, तो कुछ चीज़ें जैसे कि लाइट्स एट्सेट्रा हमने इंस्टॉल कर दी हैं ऑलरेडी. सो आई शो दैट टू यू लेटर ऑन. सो लेट्स बिगिन विद द चीपेस्ट आइटम दैट आई गॉट एंड इट्स ब्यूटिफुल. फर्स्ट आइटम दैट आई गॉट इज़ द चीपेस्ट वन ऑफ द लॉट. दीज फ्लावर्स दे केम फॉर लाइक 49 रुपीज़ ईच, और ये एकदम कार्नेशंस जैसे लगते हैं, क्यों लग रहे हैं ना, मीन्स पिंक एंड वाइट आई गॉट, एंड देर वॉज लाइक अ डार्क पिंक ऑल्सो. तो आई जस्ट गॉट टू बिकॉज मैं देखना चाहती थी क्वालिटी कैसी है. अब मुझे सही लगा है तो मैं और ऑर्डर करूँगी. ओके, एंड द सेकेंड आइटम दैट आई गॉट इज दिस वेस. आई थिंक आपने काफ़ी सारे इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स को ये वाला वेस खरीदते हुए देख ही लिया होगा. ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ क्योंकि ये वीडियो लगाने में एज़ यूजल. तो ये मुझे मिला 89 रुपीज़ का ओनली. मीन्स आई जस्ट लव द शेप ऑफ दिस वेस एंड इट्स ग्लास. वॉट आई डिड वॉज आई फिल्ड इट विद वाटर माई सेल्फ एंड आई पुट दीज फ्लावर्स हियर लाइक दिस एंड डेकोरेटेड. सो दिस इज़ लाइक माई थिंग. आई हैव डेकोरेटेड इट ऑन माई टी वी कंसोल. जो टी वी यूनिट है उस पर मैंने ये रखा हुआ है, और आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं जैसे भी आपका मन हो. द नेक्स्ट थिंग्स दैट आई गॉट आर दीज ब्यूटिफुल प्लांट्स. सो द फर्स्ट सेट ऑफ प्लांट्स आर दीज एंड और नेक्स्ट है ये सेट ऑफ प्लांट्स. इस प्रोडक्ट का नाम है पेज का. You have to give it to IKEA to name products in such a complicated manner for us noobs. So, I got these and these three plants. Both are for $2.99 each. So, ये ऐसे succulents जैसे दिखने में हैं, तो मैं कुछ खास नहीं हूँ plants के साथ. अक्सर वो सूख जाते हैं मुझसे. इसको आप कहीं पे भी रख सकते हो, जैसे कि अपनी बाथरूम शेल्फ पे, वॉश बेसिन पे, टीवी यूनिट पे, और ऑन अ स्टडी टेबल, और एनी वेयर लाइक इवन इन द किचन विंडो. ओके, सो द नेक्स्ट आइटम इज दिस प्लेट होल्डर. दिस वॉज फॉर $2.99 रुपीज़ ओनली. और जैसे इसमें आप प्लेट्स लगा सकते हो, तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि यहाँ वाला किचन थोड़ा छोटा है, तो मुझे लगा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट देन अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं पड़ रही है. तो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट टू स्टोर योर आई शेडो पैलेट्स बिकॉज दैट वुड लुक ग्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर होल्डर. द नेक्स्ट आइटम वॉज दिस लैंटर्न. आई जस्ट लव 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 दिस लैंटर्न. ये वाइट कलर का है और ऑल्सो इट मैचेस द लैम्प बिहाइंड, तो ये परफेक्ट रहेगा लाइक उसके साथ में. तो दिस केम फॉर $4.99 रुपीज़, और ये आप कहीं पे भी रख सकते हो. आप इवन फ्लोर पे भी रख सकते हो नियर अ मिरर और समथिंग, और या फिर जैसे ये शेल्फ है तो मैं इस पे रख सकती हूँ. नेक्स्ट वॉज अ कुशन कवर. एक्चुअली आई थॉट कि वो एक कुशन कवर है क्योंकि उसका प्राइस कुशन कवर वाला ही था, बट दिस कुशन केम अलोंग. सो ये था $149 रुपीज़ का, और जब ये कुशन आया तो मुझे लगा ठीक है, मींस अगर कुशन कवर की प्राइस में मुझे कुशन मिल रहा है तो मैं रख लेती हूँ. तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लाइक इट हैज़ वेरी नाइस फिलिंग इनसाइड एंड द फैब्रिक इज़ रियली कूल.
ओके गाइस, सो जो पेंडेंट लैम्प है यानी कि ग्लास लैम्प, वो पड़ा मुझे 799 रुपीज़ का एंड उसकी क्वालिटी लाइक वेरी गुड है, मतलब बहुत ही अच्छी. बट हाँ, आपको बल्ब अलग से लेना होगा, बल्ब और कॉर्ड सेट अलग से लेना होगा दोनों ही लैम्प्स के लिए. लाइक कोई भी लैम्प आप आइकिया से लेते हो. दिस इज द नेक्स्ट आइटम दैट आई गॉट, इट्स अ वाइट पेंडेंट लैम्प. जलने के बाद ये ऐसा लगता है, सो इट्स ब्यूटीफुल. तो वो पेंडेंट लैम्प मुझे पड़ा 799 का और मैंने कॉर्ड सेट 3 ऑर्डर किए थे क्योंकि मैं अभी 2 और लैम्प आपको दिखाऊंगी जो कि मैंने ऑर्डर किए, तो उसके साथ के लिए सेम कॉर्ड सेट जाएगा. तो जो कॉर्ड सेट था वो था 300 रुपीज़ का और बल्ब 89 रुपीज़ ईच के थे. तो उसकी एक अलग स्टोरी है क्योंकि वो 89 रुपीज़ वाले जो बल्ब लिए थे वो वार्म टोन नहीं थे, देवर लाइक वाइट लाइट्स और ऑलरेडी रूम में बहुत सारी वाइट लाइट्स थी, तो अल्टीमेटली हमें बल्ब चेंज ही करना पड़ गया. उसके बाद ये नेक्स्ट आइटम, ये लैंटर्न्स मैंने लिए थे. ये मैंने 2 ले लिए, तो मतलब ये एक्चुअली ज़्यादा हो गया, एक ही की ज़रूरत थी, बट चलिए मतलब मैंने उसको यूज़ कर लिया. तो ये 2 लैम्प शेड लिए थे मैंने. ये लैम्प शेड मुझे पड़े 149 रुपीज़ के और ईच में, मतलब एक लैम्प शेड 150 रुपीज़ में आपको मिल जा रहा है, उसके साथ में कॉर्ड सेट आपको अराउंड 300 ईच का मिला. दीज आर द पेपर लाइक लैंटर्न्स आई बॉट एंड लुक हाउ क्यूट दे लुक ऑन बीइंग लिट अप, दे आर रियली बिग इन साइज. पूरा लैम्प बन गया, तो दैट्स अ वेरी गुड डील आई से. तो वो मैंने 2 ऑर्डर किया और उसको मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती हूँ ऑर्डर करना. इनफैक्ट अगर स्पेस होती तो मैं बहुत सारे लगाती वो. नेक्स्ट आइटम जो कि हमने लिया, ये चेयर्स ली थी हमने रेड कलर की. इट्स द चेयर दैट वी ऑर्डर्ड, ये सिर्फ 600 रुपीज़ की मिली हमें, दो आपको इसको असेंबल करना पड़ेगा. इसमें कई कलर्स अवेलेबल थे जैसे कि ब्लैक, वाइट, रेड एंड ग्रे. पर मुझे उस टाइम वाइट ऑर्डर करने का बहुत मन था, पर उस टाइम आउट ऑफ स्टॉक थी वाइट वाली और हमें ज़रूरत थी 2 चेयर्स की, इसलिए रेड वाली कर ली. ये 600 रुपीज़ की पड़ी, तो हमने सोचा कि 2 करते हैं और फिर 2 वाइट बाद में कर लेंगे. अल्टीमेटली हम ही दोनों को यूज़ करना होता है, तो ये दोनों कुछ एक्स्ट्रा चेयर्स हो जाएंगी बाद में. बट हाँ, रेड कलर भी इक्वली अच्छा लगा मुझे, ऐसा नहीं है. तो अभी तो फ़िलहाल कुछ टाइम हम लोग ये रेड वाली ही यूज़ करेंगे. उसके बाद हमने लिए 2 स्टूल्स, एक ब्लैक एक वाइट. इसका नाम है मैरियस स्टूल. ये स्टूल्स पड़े हमें सिर्फ 299 ईच के, मीन्स आपको असेंबल करना होगा, बट ये बहुत ही अच्छे स्टूल्स हैं. आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, किसी छोटी स्पेस में एज अ बेड साइड टेबल भी यूज़ कर सकते हो, सोफे के बगल में, या कहीं पे भी प्लांटर्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर इवन छोटे साइज के लाइट वेट लैम्प्स. तो दैट्स ऑल फोक्स, ये था मेरा आइकिया हॉल. और ये सब चीज़ें मैंने एक बार में नहीं परचेज की, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की और बाद में मैंने ये चेयर्स और स्टूल्स और कुशन ऑर्डर किया. ऑब्वियसली क्योंकि मतलब मैं नहीं प्रमोट कर रही हूँ कि आप एक बार में बहुत सारे चीज़ें खरीद लो जाके और यू नो मनी इन्वेस्ट करो एक ही बार में, क्योंकि बात यह है कि होम डेकोर एक बहुत ही प्रोसेस है. मींस आप एक बार में आपने किसी का वीडियो देख लिया यूट्यूब, क्योंकि आजकल यू नो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इतने सारे पेजेस हैं जो कि होम डेकोर और ये सारी चीज़ें, मींस लाइक यू नो दे आर प्रेजेंटिंग इट बहुत ही अच्छे वे में. वो दिखाते हैं कि ओके मतलब हमने अपना घर ऐसे डेकोरेट किया है. ऑल द इन्फ्लुएंसर्स दैट आई सी, मतलब आजकल तो इतना कॉमन हो गया है, लाइक आई गॉट अ न्यू प्लेस फॉर माई स्टूडियो एंड मैंने एक नया घर खरीद लिया, और वो भी मतलब लाइक दीज आर यंग गर्ल्स, मतलब एकदम लाइक अर्ली 20s और समथिंग एंड दे आर बिग ऑन यूट्यूब. तो अच्छी बात है, मीन्स दे आर गेटिंग स्टफ फ्रॉम देयर ओन मनी. बट पता है क्या कि
इस वजह से कई लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी पड़ता है मेंटली कि हमें अब बहुत ही यंग एज में बहुत कुछ कर लेना है, या फिर अगर हम किसी घर पे न्यू घर पे शिफ्ट हुए हैं तो हमें इमिडिएटली उसको डेकोरेट कर देना है लाइक तुरंत. बट दिस इज़ नॉट द प्रोसेस. मतलब बात ये कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें खरीदोगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए एक्चुअल में. धीरे धीरे जब आप रहना शुरू करते हो कहीं पे तभी आपको पता चलता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. अगर आप एक बार में जाके खरीद लोगे तो आई एम टेलिंग यू 100% कई चीज़ें बॉक्स के अंदर से निकलेंगी ही नहीं बाहर. तो यही चीज़ है. और सच बताऊँ तो यही चीज़ मैंने फैशन के सेंस में भी सीख लिया है ये लेसन, क्योंकि एक साल से ज़्यादा से मेरे सारे क्लोथ्स वॉर्डरोब के अंदर ही रखे हुए हैं. तो इधर तो मतलब मैं सच बताऊँ मैंने इतनी मिनिमम शॉपिंग की है. मींस कुछ लाइफ के भी सर्कमस्टांसेस थे ऐसे, बट उससे पहले से भी मैं शॉपिंग बहुत ही मिनिमम कर रही हूँ, स्पेशली क्लोथ्स की. मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब मेरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आई कीप ऑन ट्राइंग प्रोडक्ट्स फॉर माई क्लाइंट्स. सो वो एक दूसरा पूरी चीज़ है. बट हाँ, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए तो मैंने मेकअप बहुत ही मिनिमम खरीदा है फ़िलहाल. और हो रही बात होम डेकोर की, तो मैं सच बता रही हूँ आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है ये वीडियो देखने के बाद. हाँ, अगर आपको ज़रूरत है और आप पर्टिकुलरली आइकिया से सोच रहे थे कि क्या खरीदें, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा. ऑल्सो बिकॉज कि ये बजट फ्रेंडली वीडियो था, मीन्स सारे ही आइटम्स 800 रुपीज़ के अंदर के थे. तो आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा. एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर इफ़ यू हैव समथिंग टू आस्क और से. और अगर आपको कुछ नेगेटिव बोलना है तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी फ़िलहाल आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ. तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं या हाय बोलना चाहते हैं मुझे, तो प्लीज़ कमेंट. सी यू. थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग टू मी. बाय बाय.